सो हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू ए न्यू फ्रेश वीडियो। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप लोग लोकी क्राफ्ट के अंदर अपने करेक्टर को कैसे थर्ड पर्सन व्यू में कर सकते हो, जैसा कि इस वीडियो में मैंने अपने करेक्टर को कर रखा है। तो ये जानने के लिए आप लोगों को वीडियो को एंड तक देखना है, तभी आपके माइंड में ये अच्छे से सेट होगा। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो। सो आई थिंक आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया होगा, तो अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो कैसे आप लोग देख सकते हो कि मैंने अभी इसको थर्ड पर्सन व्यू पे नहीं रखा है करेक्टर को अपने, मैंने अभी इसको नॉर्मली रखा है। जैसे आप लोग गेम को ओपन करते हो तो आपके सामने बस ऐसे ही करके आता है। यहाँ पर हमारा करेक्टर नहीं दिख रहा है, बस हमारे करेक्टर का हैंड दिख रहा है और उसने हैंड में पकड़ा के यही दिख रहा है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग कैसे इस करेक्टर को थर्ड पर्सन व्यू में कर सकते हो। तो इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको कोई बटन भी सेटिंग का नहीं दिख रहा है, तो सेटिंग के बटन के अंदर जाने के लिए ना, सेटिंग के अंदर जाने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। एंड जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा सेकेंड नंबर पर सेटिंग करके। एंड जैसे ही आप सेटिंग पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको बहुत सारे सेटिंग्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे हाउ टू प्ले एंड बहुत सारे सेटिंग देखने को मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पर गेम का सेटिंग है एंड यहाँ पर मल्टीप्लेयर वगैरह सेटिंग है और भी बहुत सारे कंट्रोलर टच वगैरह के सेटिंग्स हैं एंड जनरल सेटिंग है, अकाउंट का सेटिंग है। तो आप लोगों को इन सभी को इग्नोर करना है। अगर आपको थर्ड पर्सन व्यू में करना है तो आपको कहाँ पर आना है, आपको सिंपली आ जाना है वीडियो पे। एंड जैसे ही आप लोग वीडियो पे आते हो तो यहाँ पर आपको थर्ड पर्सन बैक एंड थर्ड पर्सन फ्रंट देखने को मिल जाएगा। एंड जैसे ही आप लोग थर्ड पर्सन बैक करके यहाँ पर सेटिंग के ऑप्शन पे, जहाँ पर आपको सेटिंग लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ से आपको बैक कर देना है। ओके, तो मैं पहले इसको बैक कर देता हूँ। एंड जैसे ही मैं यहाँ पर जूम करता हूँ तो मेरे करेक्टर का आप लोग देख सकते हो कि मतलब पूरा बैक साइड पूरा दिख रहा है। एंड यहाँ आप लोग इस तरह से अपने करेक्टर को थर्ड पर्सन बैक एंड थर्ड पर्सन फ्रंट कर सकते हो। तो मैंने अभी अपने करेक्टर को फ्रंट किया, मतलब बैक करके रखा है। एंड अब मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग करेक्टर को फ्रंट कैसे कर सकते हो। तो इसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको फिर से दोबारा से सेटिंग के अंदर आना है एंड यहाँ पर आपको वीडियो के ऑप्शन पर जाना है। एंड जैसे ही आप लोग वीडियो के ऑप्शन पर जाते हो तो यहाँ पर आपको थर्ड पर्सन फ्रंट करके एक ऑप्शन आएगा। यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ से फिर मैं बैक कर दूंगा एंड रिज्यूम गेम। तो रिज्यूम करके यहाँ पर मैं आ चुका हूँ अभी गेम के अंदर एंड आप लोग देख सकते हो कि मैं अपने करेक्टर को सामने से देख पा रहा हूँ। पर यार थर्ड पर्सन फ्रंट में ना करेक्टर को थोड़ा कंट्रोल करने में मुश्किल होता है ना। यहाँ पर हम ऊपर की साइड अगर करते हैं तो ये करेक्टर का ऊपर जाता है एंड नीचे की साइड करते हैं तो नीचे जाता है। तो इसी तरह से हम अपने करेक्टर को थर्ड पर्सन बैक एंड थर्ड पर्सन फ्रंट कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।